I am starting a book club on this channel, and if you want to be a part of it, if you want to make reading a part of your daily lifestyle, then keep watching this video. Hello everyone, welcome to Books Amaze. My name is Avni, and if you are new on this channel, let me tell you that I make loads of bookish content on this channel. I do book summaries, book reviews, book recommendations, and all of this in Hindi and in English language. And occasionally, I also make videos about improving your communication skills and your overall self-improvement. So if all of this is relatable to you, please consider to subscribe and also press the bell notification icon so that you will never miss any update from my side. अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में. Yes, I'm finally going to start a book club on this channel, which is going to be called Books Amaze Book Club. तो मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जहाँ पर कुछ लोग तो मुझे थैंक करते हैं कि मैंने उनकी रीडिंग जर्नी को स्टार्ट करने में हेल्प करी. उनकी कुछ रीडिंग की हैबिट जो काफी सालों से छूट गई थी वो वापस मेरी वजह से या फिर जो जितने भी लोग यहाँ पर कमेंट्स करते हैं उनकी वजह से उस इंस्पिरेशन की वजह से वापस रिज्यूम हो पाई. लेकिन बहुत से लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि वो परेशान हैं कि वो अपनी रीडिंग हैबिट को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं या फिर वो कोई बुक शुरू तो करते हैं लेकिन उससे बोर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको बीच में ही छोड़ देते हैं. सो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. कोई उन्हें उन पे कोई प्रेशर नहीं है, उनके साथ कोई उनका दोस्त नहीं है जो सिमिलर चीज कर रहा हो, सिमिलर बुक पढ़ रहा हो जिसपे वो लोग डिस्कस कर सके, या बेसिकली देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी एज सच. सो फॉर दैट आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग दिस बुक क्लब वेयर ऑल ऑफ अस विल बी अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द मंथ टू टॉक अबाउट दैट बुक. एंड द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ दिस बुक क्लब इज दिस वन, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. आई हैव चोजन इन नॉन फिक्शन बिकॉज काफी सारे लोग फिक्शन उतना पढ़ना पसंद नहीं करते हैं. तो सबसे पहली बुक मैं चाहती थी कि इस बुक क्लब की काफी इजी हो, काफी फेमस हो, जो एक्चुअली लोगों को काफी हेल्प करे. दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस बुक. इफ यू वांट टू परचेज द फिजिकल कॉपी, द पेपर बुक, यू कैन डू दैट. यू कैन ऑल्सो परचेज द किंडल बुक. इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, इट्स नॉट दैट बिग. बट येस, दिस इज द वेरी फर्स्ट बुक ऑफ आर बुक क्लब. एंड हाउ इज इट गोना प्रोसीड? सो एक्चुअली वॉट वील डू इज एट द एंड ऑफ ईच मंथ आई कम अप एंड आई डू अ लाइव सेशन एंड देयर विल बी 3 to 4 और मे बी 4 to 5 questions ऑन विच वी विल डिस्कस. क्योंकि रैंडमली डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इसलिए एक फॉर्मैट होगा प्रॉपर जिसमें 4 से 5 questions होंगे और उन्हीं questions पर हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले मैंने सोचा था कि मैं कोई जूम मीटिंग टाइप की चीज करूंगी जहां मैं 1-on-1 लोगों से बात कर पाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. लेकिन उसके लिए एक तरीका मैंने और निकाला है कि सिमिलर डिस्कशन हम लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी करेंगे, जहां मैं एट द एंड ऑफ द मंथ इस बुक के बारे में कुछ पोस्ट करूंगी और वही 4-5 क्वेश्चंस पोस्ट करके अपने आंसर्स भी उस पर पोस्ट करूंगी. एंड देन यू गाइस कैन ऑल कम अलोंग एंड इन द कमेंट सेक्शन यू गाइस कैन पोस्ट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस प्लस योर मिनी रिव्यूज ऑफ व्हाट यू फील अबाउट दिस बुक. सो प्रोबेबली अराउंड 29 or 30th of June आई विल कम लाइव ऑन दिस चैनल एंड आई विल टॉक अबाउट दिस बुक. वो 4-5 क्वेश्चंस जिनके ऊपर बेस्ड डिस्कशन होगा वो मैं अराउंड 1 week बिफोर 29 to 30 June अपने YouTube कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करूंगी, Instagram पर भी पोस्ट करूंगी. सो यू विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन ऑल ऑफ दैट एंड प्लीज बेयर विथ मी गाइज, क्योंकि मैं भी ये चीज फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे ऑनलाइन बुक क्लब्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी एज वेल. आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करें यदि आप ऑलरेडी मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं वहां तो. सो आई एम गोना पोस्ट दोज 4 क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब कम्युनिटी टैब एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम एंड प्रोबेबली अराउंड 29 or 30 June वी विल ऑल डिस्कस अबाउट दिस बुक. सो आई रियली होप दैट दिस बुक क्लब विल बी अ सक्सेस और हम सब वापस रीडिंग रिज्यूम कर पाएंगे, स्पेशली जो लोग दिल से चाहते हैं रीडिंग रिज्यूम कर पाना बट बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स वो ऐसा नहीं कर पा रहे. आई बी योर फ्रेंड, I'll discuss them with you, but please make sure that you read this book thoroughly. Just don't read the summary of this book somewhere. आप चाहे तो ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, I have no problem with that. But please invest your time in reading this book properly. Just don't go look out for summaries or short reviews of this book. Please इस बुक को पढ़िए, अपने thoughts कहीं पर note करके रखिए और wait करिए मेरे questions का जिसके ऊपर हम इस बुक को discuss करेंगे. Okay? So I hope to see you soon with another video. Till then, take care of yourself, keep smiling and keep reading.